पिछले वीडियो में आप सबों को बताया हूं कि रियाद आप दरभंगा से कैसे जाएंगे। रियाद जाना हो गया आसान, दरभंगा से रियाद अब सऊदी अरबिया बहुत नजदीक हो गया है। इस वीडियो में देखिए दरभंगा से दुबई कैसे जाएंगे, कितना आसान हो गया है दुबई जाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 नवंबर से दरभंगा से उड़ानें शुरू हो रही है। दिल्ली मुंबई और दरभंगा से उड़ानें आएंगी और जाएंगी एक एक उड़ानें। 8 नवंबर से दुबई की क्या उड़ानें हो सकती हैं हम सब देखते हैं। जी हाँ, कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, सीधी फ्लाइट तो है नहीं, 12:40 में हर रोज़ मुंबई के लिए फ़्लाइट होगी। मुंबई से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, दो दो ऑप्शन हैं दिल्ली और बॉम्बे से होकर जाने की। आइए देखते हैं मुंबई होकर क्या ऑप्शन आता है। दरभंगा से मुंबई हम सब 3 बजे पहुँच सकते हैं। मुंबई से फिर 11 बजे रात में आपको फ़्लाइट मिलेगी दुबई की, आपको वहाँ लगभग 8 घंटे रुकने पड़ेंगे। जी हाँ, ये ड्यूरेशन कम है और सेफ्टी मार्जिन भी सही है। इतने अंतराल में अगर दरभंगा से उड़ानें लेट भी होती है, देरी भी होती है, तो कोई बात नहीं है। लगभग 12,000 में आप दुबई पहुँच सकते हैं। 9 नवंबर की टिकट स्पाइस मैक्स लेंगे तो लगभग 16,000 मिलेंगे, जिसमें आपको खाना, एक्स्ट्रा लेग रूम और प्रिविलेज वगैरह मिलता है। अब हम देखते हैं दरभंगा से दिल्ली होकर दुबई की उड़ान कैसे होगी। दिल्ली के लिए दरभंगा से हर रोज़ 11:45 में उड़ान होगी। दिल्ली पहुँच जाएंगे आप 1:30 पर। फिर वहाँ से आपको कल होकर सवेरे 7:45 पर दुबई की उड़ान मिलेगी, जो आपको 10 बजे दुबई के टाइम से दुबई पहुँचा देगी। आपको रुकना पड़ेगा 18 घंटा से भी ज़्यादा। दिल्ली में यदि कोई काम हो तो आप इस फ्लाइट को पकड़ सकते हैं, फेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुंबई से 12,000 कुछ रुपए थे, यहाँ से 13,000 कुछ रुपए हैं। दिल्ली होकर तभी जाएं यदि कोई काम हो दिल्ली में, वरना आपको 18 घंटे रुकने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं, अभी तक तो हमने नवंबर में 9 तारीख की टिकट देखी थी, अब देखते हैं 22 नवंबर को दरभंगा से दुबई की क्या टिकट की रेट्स हैं। चूँकि छठ के बाद, छठ 20 तारीख को है, 20 तारीख के बाद मुंबई और दिल्ली जाने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो प्राइस भी टिकट की बढ़ेगी। जी हाँ, आपने देखा दरभंगा से मुंबई होकर टिकट के फेयर अब लगभग 16,000 हो गए हैं। मुंबई होकर फ्लाइटें वही रहेंगी 11 बजे रात में मुंबई से, और दिल्ली होकर भी फ्लाइट की रेट्स बढ़ गई है। जी हाँ, फ्लाइट भी वही होगी, 18 घंटे बाद आपको अगले दिन सवेरे 7:45 पर फ्लाइट मिलेगी। जी हाँ, किसी और दिन को आप देखते हैं क्या रेट्स हैं। जी हाँ, दिसंबर का रेट देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। दिसंबर में ज़्यादा लोग जारे में छुट्टियां मनाते हैं क्रिसमस की। फ्लाइट तो मुंबई की वही रहेगी 12:40 पर। मुंबई से भी दुबई की फ़्लाइट 11 बजे रहेगी, पर अब रेट हो जाएंगे लगभग 15,000 रुपये। दिल्ली से यही 16,000 के आसपास हो जाएगा। फ्लाइट्स भी वही रहेंगे, कनेक्टिंग फ्लाइट उसी तरीके से दिया गया है जो बाकी दिनों में है। स्पाइस मैक्स में ये 22,000 हो जाएगा। दुबई से लौटने का टिकट देखते हैं क्या होता है नवंबर में। चूँकि इधर से टिकट बनने लगी है दरभंगा से दुबई, तो दुबई से दरभंगा भी टिकट बुक होने लगा है। लगभग 14-15 हज़ार में आप आ सकते हैं। मुंबई होकर भी आ सकते हैं और दिल्ली होकर भी आ सकते हैं। मुंबई होकर आएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई से दरभंगा की फ़्लाइट सवेरे 9:40 में है, जो दरभंगा पहुँचती है 12:10 पर। टिकट के फेयर लगभग 14,000 या 15,000 कह सकते हैं। दिल्ली से 15,000 के आसपास टिकट है। दिल्ली से आएंगे तो थोड़े लेट पहुंचेंगे। दिल्ली से आएंगे तो आप 4 बजे पहुंचेंगे। जी हाँ, 3:55 के समय आप दरभंगा में लैंड करेंगे। दुबई से दिल्ली तो आप आ जाएंगे सवेरे पहर, पर दोपहर में फ़्लाइट है वहाँ से, आपको ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ेगा। मुंबई में आपको 9:40 में फ़्लाइट है, दिल्ली से 2:10 पर फ़्लाइट है, तो इंतज़ार की घड़ी ज़्यादा हो जाएगी। घर आने समय लोगों को घर आने की जल्दी होती है, तो कम समय के अंतराल का टिकट लेना चाहिए, कोई भी कहीं इंतज़ार नहीं कर पाता है।
दिल्ली मुंबई में काम हो तो अलग है, पर 8-10 घंटे में कोई बाहर निकलकर काम नहीं कर पाएगा। अब 1 जनवरी को देखते हैं दुबई से दरभंगा की क्या रेट हो सकती है नए साल में अगले साल, और टिकट के रेट्स कम हो जाएंगे, 12,000 के आसपास हो जाएंगे दिल्ली होकर और मुंबई होकर। फ्लाइट वही रहेंगे आपके, कनेक्टिंग फ्लाइट वही दिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर स्थिति यही है। दरभंगा से दुबई और दुबई से दरभंगा के आसपास के लोगों को घर आना अब आसान हो गया है, दरभंगा के आसपास के लोगों को दुबई घूमना आसान हो गया है। आराम से 3 दिनों के लिए जा सकते हैं, 5 दिनों के लिए भी जा सकते हैं, 7 दिनों के लिए भी जा सकते हैं, घूमकर सीधा दरभंगा वापस आ सकते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई और दिल्ली से है, दिल्ली में रुकना मुंबई में रुकना उनके ऊपर निर्भर करता है। एक बड़ी खुशखबरी है उत्तर बिहार के लोगों के लिए, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि दरभंगा से एयरपोर्ट शुरुआत होने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने की टिकट कनेक्टिंग फ्लाइट मिलने लगेगी। दुबई हो, बैंकॉक हो, रियाद हो, अबू धाबी हो, सभी जगह की टिकट बुक होगी एक ही टिकट पे। इससे आप लगेज यहाँ डालेंगे तो जहाँ डेस्टिनेशन है वहीं आप लगेज निकालते हैं तो आपको आसानी होती है। वैसे दिल्ली होकर जाने में पटना से भी परेशानी होती थी, समय ज़्यादा लगते थे। दरभंगा वासियों के लिए, मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, समय की बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी, साथ ही उड़ानों की भी सुविधा की शुरुआत हो रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में बैंकॉक के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।